रूम के लिए कम से कम 2 घंटे लग गए। मैं आपको मंदिर का छोटा सा टूर करवाऊंगा। ये लैंचा है, लैंचा है वो बना गुलाब जामुन है। नाम क्या है आपका? ना जिन बामा का बताना मैं को जब मिला। ये जो महिला है ये विदेशी है, ये कुछ तांत्रिक शिक्षा यहाँ पे लेती। दो लोगों को पूछ लिया कि तारा पीट जाना है, फिर वो सोचा तारा पीट जाएगा, इसलिए नहीं। दो लोगों को समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे यूनियन ही लोग है नहीं? हाँ। भाई अगर आप लोग आ रहे हो यहाँ पे तारा पीट, अगर आप रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हो तो एक चीज़ ध्यान देना, जैसा भी मेरे साथ हुआ यहाँ पे, अगर रिजर्व ऑटो करके जाते हैं वो विक्रम को, वो 7-9 सीटर रहता है, तो उसको आपको 500-600 देना होगा। बाकी आपको ये बैटरी रिक्शा मिल जाएगा, लेकिन इन लोग को अलाउ नहीं वहाँ से। तो ये है कहानी यहाँ पे। अब ये मुझे 150 में छोड़ देंगे, अब मतलब 500 वो 500 मांगेंगे अगर आप सिंगल जाएंगे। वैसे शेयर में बैठ सकते हैं, जब उनका सिंगल एक एक आदमी का लेते हैं 30 रुपया, है ना? नहीं है, ई रिक्शा जितना है ना, इनको परमिशन नहीं वहाँ से स्टेशन से उठाने का पैसेंजर को। एक तो बोल रहा था भाई कि यूनियन ऐसा है कि मारपीट तक करने लगते हैं लोग, गजब हाल है। लेकिन चलिए, और हम लोग फिलहाल अभी मार्केट में, श्रीरामपुर हाट के मार्केट में। यहाँ से कितना दूर है? 9 किलोमीटर। और यहाँ से अप्रॉक्स 9 किलोमीटर की दूरी पे है तारा पीट टेम्पल, वहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं। चलिए वहाँ देखते हैं किस होटल में ठहरेंगे, अच्छा सा एक बजट होटल देखेंगे, आपको दिखाएंगे भी। फाइनली मुझे होटल में रूम मिल गया। अब मुझे एक रूम के लिए कम से कम 2 घंटे लग गए। पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ। तारापीठ में नहीं हूँ भाई, मैं तारापीठ गया था रूम लेने, बट वहाँ पे कहानी ये है, आप जो सोलो ट्रैवलर है यानी सिंगल, वहाँ पे दिक्कत होने वाली है, आपको रूम नहीं मिलने वाला है। होटल ताज पैलेस रामपुर हाट, वापस मुझे रामपुर हाट में आके रूम लेना पड़ा। सर यहाँ पे सिंगल को अलाउ नहीं है, प्रशासन ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि आपको सिंगल ऑक्युपेंसी में रूम नहीं देना है। रीज़न ये है कि जो भी तारापीठ में सिंगल आदमी आते हैं वो यहाँ सुसाइड कर लेते हैं। तो अंदर मैं भी थोड़ा बड़ा गया, मतलब मेरे को भी, मेरा भी ना, मैं भी थोड़ा सा सोचना यार। छोटा सा रूम का टूर करवाया था। जैसे आप गेट से एंटर करते हैं ये वॉशरूम दिया हुआ है, चलिए वॉशरूम आपको बाद में दिखाएंगे, पहले आपको रूम दिखा देते हैं। और ये देखिए, ये बेड है, सामने मिरर है, मिरर के बगल में टेबल दिया हुआ है, ड्रॉवर है, और एक यहाँ पे वार्डरोब दिया हुआ है। सामने एक LCD, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है खाने पीने के लिए, 2 चेयर है, आप एक छोटा सा साइड टेबल दिया हुआ है, इंटरकॉम दिया हुआ है। एक अच्छी बात है इस होटल में रूम सर्विस है, AC लगा हुआ है। और मुझे इस रूम का सबसे अच्छा क्या लगा ना, ये वाला, ये देखिए ये नज़ारा, पर्दा हटा दीजिए, यहाँ गेट खोल सकते हैं, गेट खोल के आप बाहर आके ये देखिए, नीचे मार्केट है। और ये रूम पड़ा है मुझे 900। वॉशरूम है, चलो वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन, वॉश बेसिन में देख सकते हैं, नीचे एक बकेट दिया हुआ है, एक मग दिया हुआ है। चले तो फ्रेश होके मिलता हूँ। देखो ये दिक्कत होता है, 120 रुपये का टोटो वाला ना 120 रुपये लेगा, यानी आने जाने का 240 रुपया। नियर वाले ऑटो बैठते हैं 20 रुपये में, यहाँ से 5 आते। तो मैं फिर आ चुका हूँ तारापीठ। रामपुर हाट जाना भी जाता है तारापीठ को लेकर। जितना मुझे लगता है तारापीठ में होटल्स हैं, उतना लगता है इंडिया के किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे इतने होटल नहीं होंगे। लेकिन एक सिंगल को आपको रूम नहीं देंगे ये लोग। मुझे ताज्जुब लग रहा है उस इंसान पे जिसने ये कानून बनाया है। बाकी आपको मैं छोटा सा टूर करवाया था तारापीठ का, आपको रोड के दोनों तरफ होटलें मिलेंगी, रेस्टोरेंट है, एक से एक VIP होटल भी है भाई, होटल सोनार बंगला, बहुत सारे 5-star होटल भी है यहाँ पे तारापीठ में। अगर आप तारापीठ में रूम लेते हैं तो आप यहाँ पे इसको अच्छा से एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे सुबह माँ का दर्शन कर लिए, शाम को भी रात में भी यहाँ पे अलग टाइप का पूजा होता है, लोग यहाँ पे साधना करते हैं, वो देखने का आपको मौका मिल सकता है। लेकिन आप रामपुर हाट पर आएंगे तो कोई टैक्सी को रिजर्व करना होगा, और रात में आएंगे तो मे भी वो ज़्यादा चार्ज करें। यहाँ पे रहते हैं तो आप वॉक करके जा सकते हैं, बगल मंदिर है, मैं आपको मंदिर का छोटा सा भी टूर करवाऊँगा। सामने देख रहे हैं तारा माँ शारणी,
ये मेन एंट्रेंस है अंदर टेंपल पे जाने का। बाकी देख सकते कैसे भीड़ रहता है, सालों भर ऐसा भीड़ रहता है। बाकी भाई ये क्या है भाई? हेलो, ये क्या गुलाब जामुन है? 20 रुपया। ये 20 रुपया? हाँ। और ये? ये 10 रुपया, ये 5 रुपया। ये लैंचा है? लैंचा है, वो वाला गुलाब जामुन है। वो जो गुलाब जामुन है, ये लैंचा क्या होता है, मतलब बनता कैसे? ये लैंचा बनता है, वो जो आपका गुलाब जामुन जो है वही लंबा। अच्छा, इसको लैंचा बोलते हैं। अच्छा, वो गुलाब जामुन है, इसको लैंचा बोलते हैं। थैंक्स सर, ये हमारे बगल में थे, वो हम लोग का भाषा मिसकम्युनिकेशन था तो नहीं समझ पा रहे थे। ये लैंचा बोले, बताया लैंचा है, ये लैंचा है। जस्ट जैसा गुलाब जामुन बनता है उसी से बनता है ये, लेकिन वो ब्लैक है, ये कलर डिफरेंट है और वो गोल है, ये लंबा है। थैंक यू सर। और लैंचा यार गजब दम स्वीट्स है। और बाकी आप देख सकते थे इस तरह का मार्केट है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है आपको इधर खाने पीने का, आपको वेज नॉन वेज हर तरह खाना आपको यहाँ मिलेगा। बच्चों के खिलौने, एक चीज मैंने देखा है यहाँ पे जो मंदिर होता है ना, मंदिर के बाहर जो भी मार्केट होता है तो वहाँ पे बच्चों के खिलौने, लेडीज से जुड़े हुए बहुत सारे सामान मिलते हैं। इसलिए रीजन क्या है समझ में नहीं आता है। हम लोग को मिलेंगे एक कड़े करे मिलेंगे हम लोग, रोड को फॉलो करते हुए सीधे पहुंच जाएंगे तारापीठ टेम्पल। अगर आप कभी तारापीठ नहीं आए ना तो एक बार जरूर आए, आप माँ तारा के दर्शन जरूर करें। चलिए आज तो मैं आपको बाहर से एक बार वो दिखा देता हूँ। इसके पहले भी 2-3 बार आया हूँ यहाँ पे, और अंदर जो प्रांगण में आप जब बैठेंगे ना मंदिर के अंदर प्रांगण में, तो आपको लगेगा ना कि आप यहीं बैठे रहें कहीं ना जाएं। और फिलहाल मैं अभी आपको छोटा सा टूर करवा रहा हूँ, आपको आने वाले ब्लॉग में अच्छा से माँ का दर्शन भी करवाऊँगा। मंदिर के सामने हूँ और ये बता दूँ सुबह 4 बजे खुल जाता है मंदिर माँ के दर्शन के लिए और रात के 10 बजे तक खुला रहता है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? स्वप्ना। स्वप्ना, अच्छा चलिए बहुत लगा, अच्छा लगा। क्या करती हैं आप? क्या करती हैं? काम करती हैं। क्या काम करती हैं? मासी है। अच्छा चलिए चलिए, ये आपके लिए ठीक है। नहीं ये कला, ये कला अपने इंडिया में ना, अपने भारत में अलग ही मजा है। कितने लोग कहते हैं भैया विदेश जाइए बाहर घूमिए, अभी जाएंगे यार वहाँ भी जाएंगे, लेकिन पहले अपने इंडिया अपने भारत को तो पहले अच्छे से देख लें समझ लें। ये वामदेव जी का जो है ना, हाँ वो वामदेव जी का घाट, घाट माने नहाने का घाट, वामदेव, वामदेव हाँ, बामा केवर का घाट है। अच्छा बामा केवर का घाट है, यहाँ पे नहाने के लिए मतलब आते हैं ना। अच्छा अच्छा, हम लोग देख नहीं पाते, सही बात है। अच्छा हम लोग कैसे देखेंगे, वो साधक है। अच्छा माई के गुरु साधक है, वो माई का नाम है चंडीपुर, चंडीपुर, चंडीपुर। लेकिन बामा के बाद तारा माई को जब मिला इसको लिया है वैष्णवमणि। अच्छा वैष्णवमणि वो भी माँ के भक्त है, लेकिन माँ को उसको नहीं मिला। अच्छा उसको माँ को मिला माँ के मुंडू माला, जो मुंडू माली तारा वहाँ पर मिला, जिसके रास्ते में है मुंडमानी ताला, वही है मुंडमानी ताला। तो माई बोला जी नहीं मैं तेरे के पास नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो मामा खपा का पास, वही मेरा भक्त है। तो मामा खपा तो मिल गया माई को, तो माई बोला ए तेरे को तो हम जरूर हम मिलेंगे, लेकिन तेरा गुरु कौन है? तो माई हम तो गुरु नहीं लिया, बोले गुरु तो तेरे को ले नहीं पड़ेगा। तो वैष्णवमणि इसका गुरु हुआ। तो वैष्णवमणि बोला है कि माई तो माई को नहीं मिला तो क्या करेंगे, हम तो मुंडू माँ को मुंडू माँ रख के नहाने गए थे, तो कोई मुंडू माला मिला उसको वैष्णवमणि को, मैं वैष्णवमणि को लेके आए चीन से तारा माई को। अच्छा
वस्तु मनी लेके आया, लेकिन वस्तु मनी को नहीं मिला। मिला का बामा के पापा को, बामा को अपना खाके उसको माई को खिलाया। अच्छा, बामा खेपा उसी को पहले भोग होता है बामा खेपा का। अच्छा, तो ये बामा खेपा ये घाट है ये? हाँ, बामा खेपा का जिला घाट है सदर। अच्छा, बामा खेपा का ये आप देख रहे हैं, ये जहाँ पे हमें मैं आप सामने देख रहे हैं, बामा खेपा घाट है। जैसा हमारे ने पुरोहित बता रहे हैं कि बामा खेपा ही जो माँ के मतलब माना जाता है कि वही असली भक्त के रूप में माना जाता है, वही बामा खेपा थे जिनका ये घाट है। यहाँ पे वो स्नान अभी भी ये बाबा कह रहे हैं, अभी भी अभी जैसे बाबा कह रहे हैं अभी भी आते हैं नहाने रात में, या कभी भी आते हैं, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं। सही बात है, हमारी वो आंखें देख नहीं पाएंगी जो हम लोग अभी जो कलयुग में जी रहे हैं, वो जो वो लोग बहुत महान थे। सही बात है, नहीं देख पाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भोला देवनाथ बाबा के हैं, हम रहने वाले बंगाल के नदिया के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बंगाल नदिया। चलिए चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छा जानकारी दिया। छोटे चलिए, धन्यवाद धन्यवाद, जय गुरु बम्बे। तांत्रिक की सिद्धि के लिए ना इंडिया से नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं। देखिए सामने जो महिला है ये विदेशी हैं, ये कुछ तांत्रिक शिक्षा यहाँ पे लेती हैं। यहाँ का जो नज़ारा है ना, हर कोई देख नहीं सकता है, हर किसी के बस का चीज़ भी नहीं है, दिल को बहुत मजबूत करना होगा। बाकी यहाँ पे जानते हैं रात में भी होता है, लोग अपनी सिद्धि के लिए आते हैं। यहाँ पे माना गया कि यहाँ पे ना आपको एक से एक बहुत बड़े बड़े तांत्रिक मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, तभी यहाँ रहते हैं। एक से एक सिद्धि प्राप्त की हुई आपको तांत्रिक आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगे, जो इन मकानों में रहते हैं। तंत्र विद्या बोले, तांत्रिक शक्ति, मतलब बहुत उस चीज़ को पाने के लिए यहाँ पे आते हैं।